वेलकम बैक। नाज़िम, ब्रेक पर जाने से पहले हम शजी साहब से डिस्कस करें। शजी साहब हमें बता रहे थे कि वज़ीर ख़जाना और बेशतर मिनिस्टर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो किसकी मर्ज़ी से आते हैं। सर, ये अगेन हम उसी पर शायद चले जाएंगे कि अगर हम अपना मिनिस्टर किसी को बनाना चाहें तो मेरे ख्याल में दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ यही होता है कि या तो दोस्त यार मिनिस्टर बन जाते हैं, या जिनसे हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा होता है वो हमें मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन ये कि जो अगर बिजली की कीमत बढ़ रही है पाकिस्तान में, या बिजली है ही नहीं, अव्वल तो फॉरगेट अबाउट कि बिजली कीमत के ऊपर तो बाद में आती है, पहले बिजली का होना ज़रूरी है। नलका खोले पानी नहीं है, ठीक है ना, रोड पे जाएं तो आप घर पहुंच जाएं सही सलामत तो सब दुआएं मांग रहे होते हैं। एजुकेशन आपने बात की, आपने कन्वेंशन किया, लेकिन एज सच हमें भी पता है कि पाकिस्तान का अब शुमार उन मुल्कों में हो रहा है जहाँ पर एजुकेशन लेवल गिरते जा रहे हैं। हेल्थ, मतलब एक अगर हम वैसे सोचें तो कराची, सिंध बलूचिस्तान का अगर हम इलाका ले लें तो उसमें पूरे इलाके में एक बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब अगर आगा खान हॉस्पिटल जो है वो एक ही है जहाँ से लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे होते हैं। अब इतनी बड़ी आबादी को एक हॉस्पिटल केटर कर रहा है, और वो भी हुकूमत का हॉस्पिटल नहीं है, इन अ वे इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो हेल्थ सेक्टर तो आप भूल ही जाएँ। तो ये जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर तो हम लोग कोई फोकस नहीं हो रहा है। इकॉनमी जो है वो उसमें अगेन मैं ये कहूँगा कि हम अगर दूसरों को ब्लेम करने के बजाय ये देखें कि हम खुद इसको क्या कर सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये है ना, ये इसके अगर आप सिर्फ पत्ते बदलते रहेंगे तो मसला हल नहीं होगा, है ना। यही हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये पत्ते जो आपने बीज डाला हुआ है इस पर, वही जो बीज हमने डाल दिया है ना इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो सराहियत करके, वो ये है कि यहाँ पर आने वाला हर हुक्मरान वो जो है पहली हाज़िरी उसकी होती है कि वहाँ पर जाकर उनके दर पर सजदा करते हैं ताकि अपने इख्तदार को, कुछ तो आने से पहले ही और कुछ आने के बाद, ताकि उसको दवाम मिल जाए। देखिए, आप जिनकी बात पॉलिसीज़ की आपने बात की, फॉरेन मिनिस्टर हमारे हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर 2F कहा जाता है, ये तो कभी भी जो है हम आज़ादी से नहीं रख सकते, कहीं से NOC मिलेगा तो उसके बाद हम रखेंगे, ये कहा जाता है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारे पास विल अगर हो तो, लेकिन विल नहीं है, इसलिए नहीं है कि उसके पीछे भी जो बड़ी वजह है जिसको हम समझ रहे हैं, और इस वक्त तो आप देखें जो थ्रेट हमें आ चुका है उसके बाद भी, और जो हमारी ख़जाने की इस वक्त पोजीशन है, हमारे जो बजट बन रहे हैं आपको मालूम है, बजट के हवाले से भी ये सवाल उठता है कि भाई हम तो बना ही नहीं रहे। हमारी जो यहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक की जिस तरीके से इंटरवेंशन और जिस तरीके से वो हमारे पॉलिसीज़ पर असरअंदाज हो रहे हैं, वो बात आपकी दुरुस्त है अल्टीमेट कि हमें इस मुल्क की जो रिजीम है जो इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी कर रही है, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल इस्टेब्लिशमेंट हो, या पॉलिटिकल क्लब हो जो यहाँ पर हुकूमत कर रहा है, वो सब भी उसमें बराबर के शरीक, लेकिन सरपरस्ती उन्हें हम ये समझते हैं कि उन्हें। अब आपने बात की एजुकेशन, आपने बात की एजुकेशन के हवाले से, और उसके हवाले से आप देखें हम जिस रुख पर जा रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने अपनी हर जिम्मेदारी से अपने आप को फारिग कर दिया है ना, फारिग, एजुकेशन नहीं रही, हेल्थ उनकी, इवन अब तो ये आ गया कि लॉ एंड ऑर्डर भी उनकी जिम्मेदारी है, अब आप खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं तो कर लें, है ना। तो इस सूरत के अंदर हम कहाँ जा रहे हैं, जो आप इंतहा पसंदी और उसकी बात कर रहे थे, हम इन हालात में जहाँ जा रहे हैं, अब वो जो वाकयात हो रहे हैं उसकी बड़ी वजह सिर्फ एक वो नहीं रह गई, अब मल्टीपल हो, उसमें मैं आ रहा हूँ कि वो तो एक, मतलब एक चीज़ अगर है भी तो वो डजंट सीम कि वो एक मेजर कॉज हो गया। मेजर कॉज जो है आपका वो तो यही हो गया ना कि इंटरनल इश्यूज जो हैं हमारे, तो वही मैं उस पर आ रहा हूँ कि अगर हम उस चीज़ से अपना माइंड सेट हटा लें कि ये सारे मसले जो हैं वो अमरीका की वजह से हैं, नेटो की वजह से, और अगर हम अपने ऊपर फोकस करें, अगर हम ये सिर्फ अपनी इकॉनमी को बेहतर कर लें, माशी तौर पे बेहतरी लाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है ना। इकॉनमी मतलब बेसिकली अगर आपको सिंगापुर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी इंसान को डेढ़ या दो वक्त की रोटी मिले तो वो अगले डेढ़ या एक वक्त की रोटी के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन जिसको एक वक्त या रोटी मिल ही नहीं रही होती वो बगावत पे आता है। तो वहाँ की मतलब सिंगापुर की एक सक्सेस ये की जाती है कि उन्होंने एक ऐसी इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाई थी कि हर इंसान जो है रीजनेबली ईजी वे से डेढ़ दो वक्त की रोटी तो कमा रहा है, उसके बाद उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनको मेहनत का सिला भी मिल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। अब जो कि जो बेसिक लीडरशिप है जिसको, उसके अलावा और है भी कुछ नहीं, तो उनका तो इंटरेस्ट वही है कि पर्सनल गेन,
अब वो चाहे हम उसको करप्शन के फॉर्म में कहें, जिस तरह अभी एक लेटेस्ट स्टडी आई है डॉक्टर हसन सिद्दीकी की, जिन्होंने ये कहा है कि 1 trillion rupees की करप्शन है अगर सिर्फ हम वही कंट्रोल कर लें और अपने अखराज, गवर्नमेंट पब्लिक से तो कह रही है कि अपने अखराज कम कर लें, और अभी वो 18th अमेंडमेंट के बाद 4 ministries नहीं फिर बना दी जिसमें तकरीबन 200-250 crore रुपए का सालाना खर्चा आएगा, क्या हम ये रियली अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ जो रिजीम इस वक्त हमारे मुल्क में है ना, ये हट जाएगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी जो इसी तरह फेसेस चेंज हो जाएंगे, वो चेहरे बदलते रहेंगे, वही निज़ाम रहेगा, वही हम कभी सरवाइव नहीं करेंगे। हम जिस तरफ जा रहे हैं मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला महफूज रखे कि जो हालात हो गए वो खुदा ना खास्ता हम अनारकी की तरफ, इस मुल्क के अंदर अनारकी की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर हर शख्स अपने उसके लिए खुद अपनी ताकत इस्तेमाल करना शुरू करे। आप ये देख रहे हैं बड़े हिस्से में हो रहा है, और उसकी बड़ी वजह हुकूमतों की ये पॉलिसीज हैं जिसका आपने तस्करा किया ना, उन मुल्कों में विल है, विल के बाद लीडरशिप जो है वो खुद सबसे पहले अपने आप को कुर्बानी देती है तो फिर सब कुर्बानी देने तैयार होते। अगर लीडरशिप कुर्बानी ना दे रही हो, और मुझे अफसोस के साथ आप कभी सोचें, मैं हैरान होता हूँ कि ऐसे लोग हमारे हैं लीडर्स जिनकी नस्लें खा सकती हैं बैठ कर, नस्लें, इतना उनके पास माल सरमाया कारोबार है, लेकिन फिर भी हविस ये है कि मजीद जिस करप्शन स्कैंडल में आप देखेंगे कि वो एलीट क्लास के वही जो चंद लोग हैं जो मुलाकात हाँ। जो शायद हसन सिद्दीकी साहब की आपने बात की, उन्होंने तो कई तजावीज़ हाँ, और भी दी है और उनके साथ सेमिनार्स में शरीक होते हैं, उन्हें बुलाते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर सिर्फ 5 खानदान ऐसे हैं जो अपना असासा और अपना कारोबार इस मुल्क के अंदर लेकर आ जाएंगे तो इस मुल्क को किसी कर्जे की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। ऐसे कई, ये तो सिर्फ 5 खानदान की बात की उन्होंने, लेकिन ऐसे कई अफराद हैं, और बदकिस्मत ये वो लोग जो वज़ीर आज़म रहे इस मुल्क के, उन्होंने इस मुल्क के बैंकों के अंदर एक पैसा रखना कभी गवारा नहीं किया, उनके अकाउंट्स बाहर ही रहे और वो खुद भी बाहर चले गए इसके बाद। तो ये इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि इसकी बड़ी वजह ये है, देखिए वो शख्स जो यहाँ कर आकर बाहर रहे, यहाँ पर आए सीधा प्राइम मिनिस्टर बने, और जैसे ही ख़त्म वो वज़ीर ख़जाना बने पहले फिर प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद बाहर, आप जानते भी नहीं होंगे मोइन कुरैशी साहब आजकल कहाँ हैं, शौकत अजीज़ साहब का, इस तरह के और लोग हैं, अब हफीज़ शेख साहब आ गए, हफीज़ शेख साहब आप सोचें तो सही पीपल्स पार्टी के साथ हैं, कल इसी मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब के साथ मुशरफ साहब के उसमें वज़ीर ख़जाना थे, वर्ल्ड बैंक चले गए वहाँ। तो इसलिए मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि हमारे जो मसाइल हैं वो इंटरनली लोकली बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन मसाइल के हल की सलाहियत इस पॉलिटिकल रिजीम के अंदर जो इस वक्त बरसर इख्तदार है यह इस सिस्टम में, और मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि हम तो एक पुरअमन प्रोसेस चाहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं, लोग हमें नहीं मुंतखब करते किसी और को करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका नतीजा भी वो भुगत रहे हैं, और कब तक भुगतते रहेंगे। देखिए आपने जो बात की डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, वो यहाँ किसी पार्टी के पास नहीं है। आप ये देखें कि वो शख्स हमारे पास जो कल कोई और ज़बान बोलता था, आज कोई और ज़बान बोलता है, परसों कोई उसी तरह वो अमीर उस प्रोसेस के अंदर बन गए, वो जो कोई अच्छा कारोबारी था या वो जो 120 गज के मकान में रहता है इसी शहर में 80 गज के, वो जाकर आज अमीर बन गया जमात इस्लामी का। हमारे इसी पूरे प्रोसेस के अंदर इस वक्त जो हमारे आवाम को समझने की ज़रूरत है वो ये कि भाई आप खुद भी तो कभी सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू, वेरी पॉजिटिव नोट, इस पे ही हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। एक दो चीज़ें और हमने डिस्कस की जिस पे मैं थोड़ा जिस पे हवाला देना चाह रहा हूँ, वो एक तो ये था कि अगर हम अपने मसले जो हैं उसका ब्लेम दूसरों पर ना डालें, चाहे वो अमरीका हो, यूरोप हो, हमारे मसले जो हैं वो बेशतर तौर पर हमारे खुद क्रिएट किए हुए हैं, और उन मसलों का हल भी जो है वो हमारे पास ही है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।